चलिए तो इस बीच रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बैठकें कर रहे हैं। राज्य सरकार ने एक बार फिर से अस्मा लगाया है और ऐसे में लगातार जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ये काफी चिंताजनक भी है। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान है। लगातार बैठकों का जो सिलसिला है वो जारी है और एक बार फिर से सरकार ने राज्य में अस्मा लगा दिया है और दायरे समस्त स्वास्थ्य सेवाएं, डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल, दवाइयों की बिक्री, एम्बुलेंस, बिजली को आपूर्ति भी अस्मा करेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा संबंधी सेवाएं और खाद एवं पेयजल प्रबंध कराएंगे। और ऐसे में प्रदेश सरकार भी लगातार अलर्ट मोड पर है। जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं ये जाकर आगे और भी खतरनाक हो सकते हैं। और बात करें तो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठकें भी कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में कई तरह की पाबंदियां भी लगाई जा रही है क्योंकि आंकड़ा और ना बढ़ जाए इसको लेकर प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। और इसी कड़ी में लगातार ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार सीएम बैठकें कर रहे हैं। बैठकों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ लगातार वन टू वन बैठकें हो रही है। किस तरीके से कोरोना पर रोकथाम करना है इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं हैं और ऐसे में प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लागू है। इसके साथ ही 6 बजे तक तमाम दुकानों को खोलने की यहाँ पर अनुमति दी गई है। मार्केट्स वगैरह खोलने को यहाँ पर अनुमति दी गई है लेकिन यहाँ पर अभी भी लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में ये चिंता की बात भी है। स्वास्थ्य विभाग की जो चिंता है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और राज्य सरकार ने यहां पर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई हैं। तो आपको बता दें कि सुरक्षा संबंधित सेवाओं और खाद एवं पेयजल की यहाँ पर आपूर्ति लगातार बनी रहे इसको लेकर ये कानून यहाँ पर लागू किया गया है। राज्य में इसमें लागू हो चुका है और इसके मद्देनजर यहाँ पर कई तरह की ऐसी सेवाएं हैं जो लोगों तक पहुंचेगी और इस सेवाओं पर कभी भी रोक नहीं लगाई जाएगी। तो आपको बता दें कि लगातार प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है और ऐसे में प्रदेश सरकार ने राज्य में इस्मा यहाँ पर लागू कर दिया है। दवाइयों की बिक्री, एम्बुलेंस, बिजली की आपूर्ति भी इस्मा में के दायरे में है। इसके साथ ही सुरक्षा संबंधित सेवाएं और खाद एवं पेयजल प्रबंध भी इस्मा में उपलब्ध है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर है। तो राज्य सरकार ने यहां पर इस्मा लागू कर दिया है। तो हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेलिया जी जुड़ चुके हैं। प्रभु जी, जिस तरीके से अब लगातार कोरोना के आंकड़ों में, ओमिक्रॉन के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, प्रदेश सरकार भी लगातार अलर्ट मोड पर है और राज्य में इस्मा लागू कर दिया गया। बिल्कुल तरन्नुम, मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि हम आज से 5 दिन पहले की स्थिति से तुलना करते हैं तो दुगने से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज ही 1,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना के मिले हैं। पूरे प्रदेश में 2,500 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं जी। अकेले इंदौर में 500 से ज्यादा मरीज आज मिले। भोपाल की भी लगभग वही स्थिति है कि सैकड़ा 3 अंक से ज्यादा मरीज भोपाल में भी। उसको देखते हुए सरकार बिल्कुल अलर्ट मोड पर है।
कल ही मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी, उसमें कुछ पाबंदियां लगाई थी। शादी समारोह में 250 लोगों की उपस्थिति का कहा गया था, अंतिम संस्कार में 50 लोग, मेले वगैरह पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। आज फिर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और उस समीक्षा में ये पाया कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, तो अत्यावश्यक सेवाएं जो है, जैसे चिकित्सा की सेवाएं हैं, मेडिकल अस्पताल में जो नर्सिंग स्टाफ है, काम करने वाले स्टाफ है, मेडिकल स्टोर है, उनकी कोई हड़ताल ना हो जाए, लोग होम आइसोलेशन में रहेंगे, घर में रहेंगे तो उनको पीने का पानी मिले, बिजली का पर्याप्त बंदोबस्त हो, तो इन तमाम सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा एवं वस्तु संधारण अधिनियम जो है, इसमें जिसको कहते हैं, उसके दायरे में लाया गया है। और अब सरकार को जब ऐसा प्रतीत होता है कि इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसको लेकर कहीं कोई विरोध होने की संभावना है या कुछ हड़ताल जैसी होने की संभावना है, तब इस्मा लगाया जाता है। तो सरकार ने एहतियातन इस्मा लगा दिया है कि अब कोरोना की जो तीसरी लहर है उसको देखते हुए सरकार पूरा इलाज का प्रबंध कर रही है, और आम आदमी यदि चाहे तो पास के मेडिकल स्टोर से दवाएं ले सकता है, कहीं कोई मेडिकल स्टोर वाला हड़ताल पर नहीं जाएगा। नगर निगम का कोई कर्मचारी जो पेयजल सप्लाई से है या एमपीपी का कर्मचारी जो बिजली सप्लाई से है, वो हड़ताल नहीं कर सकेगा। तो एक तरीके से सभी लोगों को युद्ध स्तर पर अपनी सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए इसमें आशय लगा दिया गया है तरन जी। प्रभु जी, और ऐसे में जनता को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो, इसको लेकर लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में हैं, लेकिन जिस तरह की हम तस्वीरें देख रहे हैं, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जागरूक नहीं है और इसके साथ ही बहुत ज्यादा लापरवाही भी बरत रहे हैं। बिल्कुल, लोग जागरूक नहीं है, मास्क नहीं लगा रहे हैं, और इंडिया न्यूज लगातार अभियान चला रहे, कैंपेन चला रहे हैं इंडिया न्यूज हम मध्यप्रदेश के सभी जिलों में और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी, लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए जो मास्क नहीं लगा रहे उनसे सवाल पूछ रहे हैं हमारे संवाददाता, लोगों को अपील कर रहे हैं कि वो मास्क लगाए। सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, मध्यप्रदेश में जुर्माना लगाने का प्रावधान कर दिया गया जो मास्क नहीं लगाएंगे। इंदौर में तो ये आज इंदौर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है कि इंदौर में यदि कोई मास्क लगाने के लिए नगर निगम कर्मचारी जहां पर प्रेरित कर रहे हैं लोगों को या चेकिंग कर रहे हैं, वहां कोई यदि व्यवधान डालता है तो उसको सीधे जेल भेजा जाए। तो सख्ती भी की जा रही है जिससे लोग मास्क लगाएं, मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और कोरोना से बचाव का जो मुख्य उपाय यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लोग मास्क लगाएं और पर्याप्त सैनिटाइजेशन करें। यदि ये तीन काम लोग कर लेते हैं तो शायद कोरोना की जो तीसरी लहर है हम जल्दी पार पा जाएंगे। तो सरकार की मंशा भी वही है, प्रशासन भी कुछ मुस्तैदी से उसमें लगा हुआ है, आम जनता को अब इसमें सहयोग करना होगा, जिसकी अपील इंडिया न्यूज लगातार कर रहा है। बिल्कुल प्रभु जी, लोगों की लापरवाही की वजह से आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है, और ऐसे में हम भी लगातार उनसे यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। प्रभु जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों